विलायन थाना पुलिस ने मुरादाबाद लोकसभा 6 सीट से सपा प्रत्याशी रुचि वीरा द्वारा बिना परमिशन के सभा करने को लेकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। जिनके घर में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। 40 से 50 लोगों को एक जगह एकत्रित कर रुचि वीरा द्वारा संबोधित किया गया था। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कोई भी प्रत्याशी बिना अनुमति के कोई भी सभा ना करे। सपा प्रत्याशी को विवादों से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। पहले सपा सांसद एसटी हसन का नॉमिनेशन कैंसिल करवा कर अपना नॉमिनेशन करवाना, बीते शुक्रवार को जामा मस्जिद पर जाकर नवाजियों के अलविदा जुमे की मुबारकबाद देने से सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा रोके जाने पर तीखी नोकझोंक हो गई थी। बीते कल ही मुरादाबाद के डिप्टीगंज में उमाकांत गुप्ता के घर पर बिना परमिशन लिए 40 से 50 लोगों को एकत्रित कर संबोधित कर खाना व नाश्ता कराने को लेकर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सिविल लाइन थाने में एफएसटी प्रभारी उमेश कुमार त्रिवेदी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। एफएसटी प्रभारी की तहरीर पर हुआ मुकदमा दर्ज। एफएसटी प्रभारी उमेश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि 5 अप्रैल 2024 को शाम 7:45 बजे सूचना मिली कि बलदेव आर्य कन्या इंटर कॉलेज डिप्टीगंज चौराहा थाना सिविल लाइन के पास उमाकांत गुप्ता के मकान के अंदर सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी रुचि वीरा के द्वारा बिना अनुमति सभा का आयोजन किया जा रहा है। सूचना पर एफएसटी मकान के अंदर गए तो बरामदे में सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी रुचि वीरा करीब 40 से 50 व्यक्तियों को खड़े होकर चुनाव के संबंध में संबोधित कर रही थी। बरामदे के बाहर जलपान की व्यवस्था थी। सपा प्रत्याशी रुचि वीरा से जब जनसभा की परमिशन मांगी गई तो कोई परमिशन न होना बताया गया। सभा की वीडियोग्राफी फोटोग्राफर द्वारा कराई गई। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के अंतर्गत जनपद मुरादाबाद में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी रुचि वीरा द्वारा चुनावी सभा का आयोजन बिना अनुमति कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी। आचार संहिता के मामले में एक मुकदमा दर्ज कराया गया है सपा प्रत्याशी के खिलाफ। क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, थाना सिविल लाइन्स में एक स्थान पर सपा उम्मीदवार द्वारा एक सभा की जा रही थी। करीब 50-60 लोगों की सभा की जा रही, जिसमें वो अपना प्रचार कर रही थी, संबोधन कर रही थी। और संबोधन में उनके प्रचार की बात थी, अपने वोट दिए जाने की बात थी। उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली थी। सूचना प्राप्त होने पर वहाँ पर वीडियोग्राफी कराई गई। वीडियोग्राफी में ये पाया गया कि उन्होंने वहाँ पर अपने संबोधन में प्रचार किया है, तो उसके आधार पर एमटीसी का वायलेशन माना गया और उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। मेरा सभी उम्मीदवारों से अनुरोध है कि कृपया इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। कहीं पर भी बगैर परमिशन के प्रचार कोई सभा नहीं करेंगे, और सभा करते हैं तो भी परमिशन होनी चाहिए। एक ऐप है सी विजिल, कोई भी सी विजिल ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति उसको डाउनलोड कर सकता है। उस ऐप के माध्यम से यदि कहीं पर इस तरह का एमसीसी का वायलेशन दिखाई देता है तो कोई भी आम नागरिक उससे फ़ोटो खींच करके और 2 लाइनें लिखकर भेज देगा तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। ये सी विजिल ऐप जो है वो ये आम जनता के लिए है, जिससे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो टीमें जो लगी हुई हैं एफएसटी वगैरह वो पहुंच नहीं पाती हैं कई स्थानों पर, लेकिन कहीं किसी व्यक्ति को एफसीसी का वायलेशन दिखाई देता है तो उस ऐप के माध्यम हमें सूचना दे सकता है।